हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह से बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से पर कैपिटा इनकम के साथ अदर क्राइटेरियाज को जोड़कर किसी भी कंट्रीज के डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया के बेस पर डिफरेंट कंट्रीज के डेवलपमेंट को मेजर किया है, लेकिन ऐसा रियलाइज किया गया कि पर कैपिटा इनकम के बेस पर डिफरेंट कंट्रीज को मेजरमेंट करना सफिशिएंट नहीं था। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में टू अदर क्राइटेरियाज को भी ऐड कर दिया गया। इनकम के अलावा टू अदर क्राइटेरियाज थे हेल्थ स्टेटस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल। तो इस तरीके से सबसे पहले UNDP वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करती है और उन कंट्रीज को रैंक वाइज एक रिपोर्ट में पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ओवरऑल कंट्रीज की सोशल एंड इकोनॉमिक अचीवमेंट के बेस पर उसको इंडेक्स किया जाता है। इंडेक्स मीन्स जैसे कि आपके रिजल्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की रैंक में आपको कैटेगराइज किया जाता है, इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की सीरीज में कैटेगराइज करती है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह रिपोर्ट किसी भी पर्सन के इनकम के साथ एवरी ह्यूमन के वेल बीइंग पर स्पेशली फोकस करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने के मेन 3 क्राइटेरियाज होते हैं और इन क्राइटेरियाज के बेस पर डिफरेंट कंट्रीज की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाई जाती है। ये 3 क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं? नंबर 1, लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड में आपका पर कैपिटा इनकम आता है। सेकंड क्राइटेरिया होता है हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स किसी भी पर्सन की बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक के कितने ईयर हो सकते हैं। मीन्स किसी भी कंट्री का एवरेज सिटीजन कितने ईयर्स तक जीता है। जैसे किसी कंट्री में 65 ईयर तक एवरेज पीपल जीते हैं, किसी में 75 तक, किसी में 95 तक। तो किसी भी पर्सन की एवरेज लाइफ ड्यूरेशन के मेजरमेंट को ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। थर्ड आता है एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल में उस कंट्री के पीपल्स का लिटरेसी रेट और स्कूल में इनरोलमेंट रेशियो के बेस पर कंट्रीज को मेजर किया जाता है। तो इस तरह से इन 3 क्राइटेरियाज के बेस पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाई जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज है। चलिए इस टेबल की हेल्प से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस टेबल में 5 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में कंट्री के नेम्स हैं। सेकंड कॉलम में ग्रॉस नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम है। थर्ड कॉलम में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है। फोर्थ कॉलम में मीन ईयर्स ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव है। फिफ्थ कॉलम में HDI रैंक मींस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक शो किया गया है। पर कैपिटा इनकम तो आपको पता ही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस किसी कंट्री के सिटीजन्स
एक्सपेक्टेड कितने ईयर्स तक जीते हैं, यह इसमें मेजर किया गया है। थर्ड आता है मीन ईयर ऑफ पीपल एज्ड 25 एंड अबव, इट मींस कि 5 या उससे अबव ऐसे कितने सिटीजन्स हैं जो स्कूल गए थे। लास्ट कॉलम है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज को एसजीआई रैंक में इंडेक्स किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम को यूएस डॉलर में मेजर किया जाता है। यहाँ पर श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम है 11,236, इंडिया की पर कैपिटा इनकम है 6,353, जबकि म्यांमार की है 5,567, पाकिस्तान की है 5,331, नेपाल की है 2,471, बांग्लादेश की है 3,677। अगर हम पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग इन कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा है। जबकि अगर आप इंडिया के मैप में देखें तो श्रीलंका एक स्मॉल कंट्री है और इंडिया एक लार्ज कंट्री होने के बाद भी इंडिया की पर कैपिटा इनकम श्रीलंका से कम है। नेक्स्ट कॉलम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका में 75.5 है जबकि इंडिया में 68.8 है, म्यांमार में 66.7, पाकिस्तान में 66.6, नेपाल में 70.6 एंड बांग्लादेश में 72.8। अगर हम श्रीलंका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो श्रीलंका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा है। श्रीलंका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 75.5 जबकि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68.8। अगर हम इंडिया से नेपाल और बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से नेपाल और बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बेटर है। अब हम बात करते हैं मीन ईयर ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव। इसमें हम देखेंगे कि 25 एंड अबव एज के कितने परसेंट लोग स्कूल गए हैं। श्रीलंका में 10.9%, इंडिया में 6.4%, म्यांमार में 4.9%, पाकिस्तान में 5.2%, नेपाल में 4.9% एंड बांग्लादेश में 5.8%। यहाँ पर भी स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज इंडिया का श्रीलंका से कम है। अब हम बात करते हैं एसजीआई रैंक इन द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी एवरी ईयर पब्लिश करता है और एवरी ईयर इस इंडेक्स में डिफरेंट कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया जाता है। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 130 है जबकि श्रीलंका की 76 है, म्यांमार की 148 है, पाकिस्तान की 150 है, नेपाल की 149 है एंड बांग्लादेश की 136 है। 189 कंट्रीज़ को इस इंडेक्स में इंक्लूड किया गया था। इन 189 कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक 130 है। इट मींस इंडिया से बेटर डेवलपमेंट 129 कंट्रीज़ का है। इस इंडेक्स में सबसे फर्स्ट नंबर जिस कंट्री का आता है उसका नाम है नॉर्वे। अगर इंडिया को इस इंडेक्स में बेटर प्लेस अचीव करना है तो उसे अपनी पर कैपिटा इनकम, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, लोगों का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करना होगा, तभी वह इस एसडीआई रिपोर्ट में बेटर प्लेस अचीव कर पाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं
तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच।